हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आप लोग से कहना चाहते हैं कि आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप लोग इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। और आप लोग से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, अभी भी हम बीमार हैं, बुखार है और सर में भी दर्द है, और फिर भी वीडियो बनाते हैं, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। बताइए, मेहनत करते हैं, फल तो दीजिए, कुछ तो फल दीजिए कि जिससे हमें खुशी मिले और हम आगे बढ़े और मेरा हौसला बना रहे। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक मेरा बच्चा है प्यारा सा, इसके लिए आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। और दोस्तों, आप लोग जहाँ भी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। दोस्तों, ओ आप लोग से कहना चाहते थे कि मालदे चौहान का जो मर्डर हुआ था, उसमें कितने लोग, बहुत सारी सच्चाई पता है मगर फिर भी लोग नहीं बताए। और गोलू भी गिरफ्तार हो गए, हम लोग को तो पता नहीं था मगर वीडियो के माध्यम से हम लोग देखे हैं। और हमें भी नहीं पता था कि मतलब इसमें किसका हाथ है क्या नहीं, ये तो हम लोग को भी पता नहीं है दोस्तों। जो है वीडियो के माध्यम से हम लोग देखे और पता चला। बस इसमें जो भी गुनाहगार है, कोई भी हो, मतलब उसे सज़ा मिलना चाहिए कि ऐसे मतलब किसी के साथ नहीं होना चाहिए था। जो हुआ है बहुत गलत हुआ। जो इस दुनिया से चला जाता है वो तो इस दुनिया में नहीं ना आएगा, फिर से तो नहीं ना आएगा। हाँ, मानते हैं इंसाफ मिल जाएगा, फिर भी तो मालती चौहान इस दुनिया में नहीं ना पाएगी। एक बेटे से एक माँ अलग हो गई है, कितनी सोचने वाली बात, इतनी दुख की बात है। पूछिए मत, उस बेचारा क्या कसूर था, उस छोटा सा बच्चा की क्या कसूर था, बताइए। जो भी हुआ है दोस्तों, बहुत गलत हुआ है मगर जो भी किया है उसके साथ तो सजा मतलब मिलना ही चाहिए, उन लोगों को तो सजा होना ही चाहिए कोई भी हो। और दोस्तों, इसमें क्या क्या मैटर आ रहा है, कौन क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है। दोस्तों, आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग के क्या कहें क्या नहीं कहें कुछ समझ में नहीं आता है, मगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं हम। आप लोग सपोर्ट कीजिए ना प्लीज दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो हम भी जा रहे हैं सुसाइड कर लेंगे। नहीं करेंगे, मेरा बच्चा है इसीलिए नहीं करेंगे। और दोस्तों, ज़िंदगी से तो हम ही हार मान चुके हैं मगर हम जान तो अपना नहीं देंगे। मैं अपनी बेटी के लिए ज़िंदा रहेंगे और उसके लिए कुछ करेंगे, जान नहीं देंगे हम, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। इसीलिए आप लोग से कह रहे हैं कि आप लोग सपोर्ट कीजिए कि हम भी अपने पैर पे खड़े हो जाएं या ज़िंदगी में कुछ कर सकें। बस बस इतनी छोटा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज़ 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 प्लीज़। आप लोग का ये उपकार कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, मर जाएंगे तो बात अलग है, जीते जी तो कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि आप लोग की सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे तो आप लोग एहसान कभी नहीं भूल सकते दोस्तों। इसीलिए कहते हैं, आप जैसे आप लोग सबको प्यार दुलार देते हैं, ऐसे आप लोग हमें भी दीजिए, हम भी आगे बढ़ें, ज़िंदगी में कुछ कर सकें। बस आपको सही कहना चाहते हैं और कुछ नहीं। और जो भी मालती चौहान का गुनाहगार है उसे सजा मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। कितने लोग बेचारे के घर वाले, उनके बहन, उनके पापा उपा, एक बच्चा कितना रोते हैं देख कर ना, सब बहुत दुखी हो जाते हैं दोस्तों। मैं क्या करें, जो इस दुनिया से चला जाता है वो तो कभी आ नहीं सकता है, हम भी क्या कर सकते हैं। बाय।